आप मुझे ये बताइए कि आप बच्चे क्यों डरती हैं। बलोच जो है मुझे आप बताइए आप बच्चे क्यों डरते हैं। मुझे यहाँ सच बोलने के लिए बुलाया गया है। अगर ये सच है बलूचिस्तान के मसले को इस तरह शोर मचाने से अभी करने से बनती। मुझे अपनी बात करने दे। ये गुंडागर्दी ये नहीं चलेगी। आप साफ ही है तो गुंडागर्दी मत कीजिएगा। आप साफ ही है तो साफ ही रहे। आप गुंडागर्दी मत। घुंघरियाले बालों वाले उस लड़के में पैदाइशी तौर पर और कोई ख़ास बात तो नहीं थी, सिवाय इसके कि उनका रंग अपने ख़ानदान के दीगर लोगों से ज़रा उजला था। उनको भी वाजह और बानुक के मखसूस लफ्ज़ सिखाए गए, जो उस ज़माने में हर ग़ुलाम परजंद को सिखाए जाते थे। गो के वो उस ज़माने में जन्मे जब गोरे आकाओं के सरकारी हुक्म की वजह से कोई शख्स आज़ादाना तौर पर ग़ुलाम रखने का दावा नहीं कर सकता था, या शायद खुद वाजहान में इतनी सिक्कत नहीं रही कि वो टी और टेंगान को काबिले मुशक्कत बनाने के लिए अपने जूते काफी अच्छा ग़ुलामों को आज़ादाना जिंदगी बसर करने की आदत डालने में भी लगी। ये उसी ज़माने का सवाल था। इंसानों के साथ गिलो किश्त जैसा बर्ताव करने वाले समाज ने उनको भी अपने सांचे में डालने के लिए कभी कसर न छोड़ा। जब वो पैदा हुए होंगे शायद ही उनके खानदान ने बानुक और वाजहान की रवायत निभाकर उनके मुंह में शहद टपकाया हो। भला गुलाम कभी ख्वाब देखते हैं? इस सच्चाई से सरफ़ नज़र न किया जाए कि पैदाइशी मज़हब के साथ इंसान का रिश्ता महबोली जैसा ही है। ज़रूरत, आदत और मजबूरी में मखसूस लबो लहजे के साथ अल्फाज की अदायगी और अल्फाज की रूह तक उतरने वालों में फ़र्क है, वही फ़र्क जो आम और ख़ास में होता है। एक आम शख्स तब खास बनता है जब वो क्यों सोच को बोलने की जसारत करता है। वो मखसूस समाजी सांचों में डलने से इनकार करके अपनी कमियत के मुताबिक अय्यत के तहयुन की कोशिश करता है। समाज के सांचे अमूमन कासा निकास के लिए तंग पड़ जाते हैं। गुलामुक, अब तुम बड़े हो गए हो। 7 साल की उम्र में मुसलमानों पर रोज़ा और नमाज फ़र्ज हो जाते हैं। मदरसे में उस्ताद के साथ बदतमीज़ी नहीं करना, जो हो बोले उनकी बात पर अमल करना। फ़राइन मिस्र के ज़माने के काइनीन मिस्र की सरपरस्ती में चलने वाले किसी दरसगाह के बारे में पढ़ें। गरीबों के तबीब का होनहार बेटा सेनवा रिश्वत खिलाने के बाद जब अपने ज़माने की दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी दारुल आयात तिब्स मिस्र में दाखिला लेने में कामयाब हो गए, तो उन्हें सबसे पहला सबक यही सिखाया गया कि क्यों सवाल को अपने जहन से कुरछ लें। चाहे पानी को आसमान की तरफ बहता देख लें, सूरज को मगरब से तुलू होता हुआ, या फर्जिंद खुदा यानी फराहीन को आम इंसानों जैसा दर्द की तकलीफ से चिल्लाते देखकर।
सिद्धांत सोचा, मौत क्या, जब मौत है तो जीना क्यों। मगर वो सोचने से पहले बेहतरीन इंसानी टेप रिकॉर्डर की तरह समाजी कदरों की पासदारी में तवील अरसे तक रूहानी अजाब सहता रहा। अब कायनीन तो ये न कहेंगे कि उसने सोचा और उसकी सोच ने उसकी रहनुमाई की। वो अपना कारोबार चलाने के लिए यही कहेंगे कि हमने उसके रगो पह में काफी मुकद्दस उलूम उंडेला था, मगर शैतान जानता था कि अगर वो खुदा के रास्ते पर चलता रहा तो उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगे। शैतान तो अजल से ही ऐसे खास लोगों को वरगलाता रहा है। वो अपना बदला लेने के लिए कासान खुदा के साथ यही करता है, क्योंकि शैतान भी कभी कासान खुदा में से था जिसने अपना बदला लेने के लिए उसे भी गुमराह। मेरे घर में बोलने वाली मैना है, यह सुनकर बच्चे ने अपने दोस्त की तरफ देखा। हाथ में लिए खिलौना तोते को नन्नी अतीली पर रखकर कुछ सोचा और फिर उसे अपने दोस्त के हाथों में देकर बोलने वाली मैना को देखने उसके साथ चल पड़ा। बच्चे ने मैना की तरफ देखकर कहा, मिट्टू बटवरे। मैना बोली, मिट्टू बटवरे। बच्चा बोला, मिट्टू चॉकलेट वरे। मीना बोली, मिट्टू बटवरे। चोर चोर चोर। बच्चे का दोस्त उनकी हैरत और मीना की बातों पर कहकहा लगाने लगा। बच्चा हैरान हुआ, मगर बोलती मीना देखकर नहीं बल्कि इस दरियाफ्त पर कि उनका दोस्त उम्र की 60 बहारें देखने के बाद भी बोलती मीना पर एतकाद रखता है। उन्होंने मासी टीडी की जिंदगी का जीरक बीनी से मुशाहिदा किया तो उस पर इसरार की एक दुनिया अफशा हुई और बच्चा वक्त से बहुत पहले बूढ़ा हो गया। उन्हें बड़ा आदमी बनने का जुनून तो बचपन से ही था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इस राज को पाकर बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़े रूह के साथ जिंदगी जीने में बड़ा मजा है। भूल बुलइयों में अपना रास्ता कोजते कोजते उसने दर्द से लिज्जत कशीद करने का हुनर भी सीख लिया। फिर कभी किसी ने उनका मुस्कुराहट से काली चेहरा न देखा। उन्होंने मोहब्बत को जिन्स और रिश्ते से पेवस्त करने वालों के फलसफे को अमल की कसूटी पर परख कर पूछ साबित कर दिया। उनका जिन्सी कबीला उनकी ज़ात की तरह इसरार की दुनिया में रहता है। हम जैसे ज़मीनी मखलूक उनकी पाताल नगरी में नफरत से झांकना तक गवारा नहीं करते। वो कायनीन जो अरबात को खुदा की ज़ात से जोड़ कर ज़मीन पर खुदाई करना चाहते हैं, उनसे मुतल्लिक पेशानी पर नफरत आमीज शिकने सजा कर भूल जाते हैं कि अगर उनका दावा सच्चा है तो उनकी पैदाइश और उनमें आम इंसानों से मुख्तलिफ एहसासात की वदियत में भी उन्हीं के खुदा का हाथ है। फितरत वाहिद इनकलाबी है जो इन समाजी साम्राज्यों से हमेशा से नबर्दाजमा रही है। वो भी फितरत का आग ताम कर पाताल की गहराइयों से निकल कर आसमान पर रोशन तारे की तरह मुनव्वर हो गया। फितरत साइंस और कुदरत कुशफहमी तवक्को और उम्मीद की मुहज्जिद है। मैं नहीं मानता कि कोई फितरत से ऐसा हुनर सीख कर आता है जो उससे पहले कोई नहीं जानता हो। उसके अपने तगोदो का उसकी ज़िंदगी पर अमल दखल फीसदी एतबार से फितरत की नस्बत कमतर है। फितरत आवासे कमसा और समाज यकसा मवाके दे तो एक गुलामजादा भी शहजादे की तरह हुनरमंद बन सकता है।
مگر بہت سے لوگ مواقع خود بھی تلاش کرتے ہیں جو کچھ فہمی توقعات اور امید کی زندگی کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنی جاہلیت کا اقرار کر کے علم کے مدارج چڑھتے ہیں۔ بغدادی لہاری کی تنگ و تاریک بدبودار گلیوں میں ننگ دڑنگ بھوکے پیاسے بچے کیا سیکھتے کیا بولتے؟ شاید یہ ہندوستانی ہم سے اچھے ہیں، ان کی بولی ہماری زبان سے زیادہ گہری اور علمی ہے، تبھی تو ہمیں اسے پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بڑا بننے کے لیے اسے سیکھیں اور ان جیسا رویہ اختیار کریں۔ وہ ایک چاداری تھا، سو جو انہوں نے سوچا وہی روپ دھار لیا۔ گنگریالے بالوں والے لڑکے کو اس زمانے میں ان کے شہر میں نوارد ہندوستانی لکھنؤ کی زبان میں بات کرتا دیکھ کر ششدر رہ جاتے تھے۔ ارے میاں، ذرا اس مکرانی لونڈے کو تو دیکھیو، لکھنؤ کی زبان بولتا ہے۔ اسی کی بات کر رہی ہوں جو پنواڑ کی کیبن کے سامنے کرتا پاجامہ پہنے کڑا پان چبا رہی ہے۔ یہ نوارد آج 64 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی زمانے میں جی رہے ہیں۔ لفظ جیسے ان کے زرکرید غلام، وہ جب چاہتا ان کے منہ سے ایرے موتی کی طرح جڑتے تھے۔ روان زبان اس جسمانی طور پر بیمار شخص کا واحد ہتھیار تھی۔ اجنبیوں کے ایک جمگٹے میں بولے اپنے ہنر کی داد کیا لیتے لانگ تان سن کر لوٹ آئے۔ ایک اردو ادیب نے تنزیہ ان سے کہا کہ آپ کے بال مکرانی مگر لہجہ لکھنوی ہے۔ انہوں نے فرمایا، وہاں موجود ڈاکٹر صبور کی طرف اشارہ کیا، میرے بال مکرانی نہیں، ان کے بال مکرانی ہیں، میرے بال افریقی ہیں اور مجھے فخر ہے کہ افریقہ نے نیلسن منڈیلا جیسی شخصیت پیدا کی ہے۔ یہ ہے مکانہ بات ابھی کل ہی کسی نے کی ہے کہ وہ پاؤں میں گنگرو باندھ کر شریمان شو شنکر کو خوش کرنے کے لیے رقص کرتے تھے۔ ان کے کمرے میں سدھانت کی مورتیاں اس لیے نہ تھی کہ وہ گوتم بدھ کے پجاری تھے، وہ گوتم کی فکر کے عاشق تھے جنہوں نے سماجی غلامی اور طبقاتی اونچ نیچ اور انسان کے خدا بننے کے خلاف بغاوت کی، جس کا بدلہ پجاریوں نے انہیں ہی خدا بنا کر برابر کر دیا۔ ان کے مذہب کے بارے میں افکار کو جانے بغیر ان کے بارے میں اناپ شناپ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ موسیقی سے عشق فطری ہے، بس انہوں نے اس کا اظہار کرنے میں بے باکی دکھائی۔ صوفیوں کو بھی تو موسیقی سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، وہ ادبی تخلیق کار تھے، علامتوں کی اہمیت سے آگاہ اور ان کو برتنا جانتے تھے۔ میاں، ان کے گلے کی تسبیح کا بھی کوئی مطلب نکالیں، اور پاؤں میں موسیقی بکھیرتی زنجیریں ڈال کر چار دیواری میں قید ہو کر اس آزادی کا راستہ کھوجنے کی کوشش کرتے جو انسان کی اندر سے نکلتا ہے۔ ہم یہاں ان پر اعتراض کر سکتے ہیں، مگر پتھر پر کوئی لکیر نہیں کھینچ سکتے، کیونکہ وہ پتھر کی لکیریں کرچ کرچ کر کافی تک چکے ہیں۔ اس سدھانت جیسے مہان ہستیوں کا ایک علامتی اوتار تھے، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ میں پجاریوں کی طرح سدھانت کو بھگوان بنا کر پیش نہیں کرنا چاہتا، میں لفظ اوتار کو اساتیری معنویت سے علیحدہ کر کے دو کرداروں کی مماثلت بیان کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہوں۔ سدھانت کو کون سمجھا، چند ننگ دڑنگ۔ ان کو بھی سمجھنے میں لوگوں کو کافی وقت لگا، مگر وہ خود وقت کی رفتار پکڑ کر چلتے تھے۔ کہا نا، وہ ایک چاداری تھے۔ مدرسے میں آپس بننا پسند نہیں، میر اور غالب کی چال چلنی ہے، دہلی اور لکھنؤ کی زبان بولنی ہے۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق کرداروں میں ڈلتے گئے، دنیا کی مجال کے اس کے سامنے ٹھہر سکے، وہ جو چاہا بنتے رہے، تب تک کہ اسے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کردار اور روپ نہ ملا۔ جب بلوچی زبان سے آشنائی ہوئی تو عشق کر بیٹھے، عشق بھی ایسا کہ سب کچھ تیاگ کر اسی کی بناؤ سنگار میں جت گئے۔ سرداروں کو وہ غلامی کی علامت سمجھتے تھے، اور
उन जैसा शख्स जो गुलामी की कहीं बुरी आत्माओं को पिछाड़ चुके हों, सरदारों को क्या कातर मिला थे। मगर वो पत्थर पर लकीर खींचने वालों से भी न थे, न फिक्र से बहरे और अंधे। जब एक बूढ़े सरदार को नंग दड़ंगों की आज़ादी के लिए जान की बाजी लगाते देखा तो महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारियां सिर्फ जुबान को जिंदा रखना नहीं, बल्कि इस शीरीं जुबान के बोलने वालों को फिक्री और जिस्मानी गुलामी से आज़ाद कराना भी है। तब गुलाम हुसैन ने सोचा कि वो गुलाम है और उसके बेबाकाना इजहार का बेड़ा उठा लिया। उनकी नज़र में गुलामी की जंग में सिपाहियों के दरमियान मसावात होना चाहिए, कोई फर्क नहीं। अगर बंदूक उठाने का फैसला किया है तो सब बंदूक उठाएंगे, लंगड़े लूले कमज़ोर लिखने बोलने वाले औरतें बच्चे सब लड़ेंगे, मैदान किसी को नहीं छोड़ना। उनकी तस्वीर देखकर एक मीर बलोच ने कहा, ये सब आए, ये वो बलोच ही नहीं। मैदान जंग में सब आत में आत डाले गए। जब तबले जंग बजा, दुश्मन पर रोब जमाने के लिए शोर गोगा मचा, तो मीर बलूच की आवाज सबसे बुलंद थी। वो बेचारा ऐसे भी कोई इनकलाबी दीवान समझ रहा था। चुक्के बलूचानी के साथ कोले हिलाना, जाम से जाम टकराना, फिर ताशे पटाखे फोड़ना, 35 सालों से मीर बलोच यही तो करता आया था। लेकिन इस मर्तबा जंग जंग की तरह हुई। पहले दुश्मन समझा ये वही 35 साल पुराने भौंकने वाले कुत्ते हैं, जब भूख लगेगी तो दुम हिलाते हुए हमारे पास ही आएंगे। लेकिन ये शेर की तरह हमला हवर हुए, उधर से भी गोलियों की बौछार हुई। मीर बलोच मैदान छोड़कर भाग गया, मगर गुलाम खड़े रहे तब तक कि दुश्मन की गोलियों से चलनी उनके जिस्म ने साथ देने से इनकार कर दिया।